All right guys, so yeah, finally Super Saiyan 4 Gojita का आने वाला एक unique equipment and yeah यहाँ पर जैसा हमें video ने step में बताया गया था कि Super Saiyan 4 Gojita का एक unique equipment आने वाला है यानी कि plant equipment so yeah it's incredibly powerful so don't miss out okay तो यहाँ पर ये यह ना लिखा हुआ है as announced in the recent video ने Super Saiyan 4 Gojita is unique <laughs> इक्विपमेंट इज कमिंग सून इट्स इंक्रीटली पावरफुल सो डोंट मिस आउट ओके सो यहाँ पर ये यह लोग बता रहे हैं कि भाई ये इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सुपर सुनपुर गोजीटा के लिए एंड या ये बहुत ही तगड़ा इक्विपमेंट है इसका जी टी पर सच में बहुत खतरनाक वाला ध्यान दे रहे हैं आई थिंक भाई जी टी बहुत ही खतरनाक टीम बनने वाली है एंड या ओके सो या मुझे तो ये बहुत सही लग रहा है इक्विपमेंट जैसा तुम लोग देख सकते हो और यहाँ पर लिखा है आई हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय यू ना ओके और यहाँ तुम इसकी प्लान इक्विपमेंट की इमेज में देखो यहाँ गोजीटा बैठा हुआ है सो so, मुझे वो बहुत कूल लग रहा है बहुत सही लग रहा है सो so, यह है yeah, काफ़ी सही है एंड ये है हम यहाँ पे मैं इस इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन करूँगा और अल्ट्रा ओमेगा शटडाउन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है तो मैं उसे जल्दी से कवर अप करूँगा ठीक है तो चलिए गए बिना बिलैक वीडियो को लेता स्टार्ट तो तो तुम लोग यहाँ देखो कि यहाँ पर है स्लॉट वन में है लिखा है बेस हेल्थ फिफ्टीन फाइव टू फिफ्टीन परसेंट तक इसकी लिमिट है और स्ट्राइक डिफेंस और लास्ट डिफेंस ट्वेंटी परसेंट से लेके थर्टी फाइव परसेंट तक लिमिट है मई गॉड कितना सही है ओके okay, तो यहाँ पर डिफेंसिस में तो ये नंबर वन होने वाला है बहुत ही सही है ओके okay, अगर आपने इसे पूरा मैक्स आउट कर दिया इसके साथ भी पूरा से मतलब मैक्स कर दिया तो भाई ये इंक्रीडिबली सुपर स्ट्रोंग हो जाएगा सो या स्लॉट स्लॉट वन को तो हम आराम से कर लेंगे सो या स्लॉट वन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे ही मिल जाएगा ये वाला पहला तो एबिलिटी और दूसरा देखें तो दूसरा स्लॉट में है इन्फ्लेक्टेड डैमेज थर्टी फाइव परसेंट स्ट्राइक अटैक है ब्लास्ट अटैक थर्टी फाइव परसेंट माई गॉड ओके तो यहाँ पर भाई बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि भाई इसको हमें कैसे करेंगे यानी कि स्लॉट रिमूवर्स को करते 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 हमारी हालत ख़राब हो जाएगी भाई मतलब कि बार बार हटाओ फिर करो बार बार हटाओ फिर करो, फिर करो भाई साहब ये तो बहुत सही में है ओके तो यहाँ पर अब स्लॉट थ्री में एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है जो कि बहुत ही अलग है और हाँ ये नीचे लिखा है वन ऑफ द एबिलिटी विल बी रैंडमली असाइंड यानी कि रैंडमली होगा ये यानी कि अगर ये वाला एबिलिटी मिल जाता है इंक्रीज ड्रैगन बॉल्स बाय टू एंड प्लस फिफ्टी परसेंट डैमेज इंफ्लेक्टेड तो ये एबिलिटी है जो तीनों में से किसी कोई एक होगी सो या एंड यहाँ पर हमें वन या टू ड्रैगन बॉल्स हमें इंक्रीज हो जाएंगे हमारे सो so, मैं तो तीसरी एबिलिटी चाहता हूँ कि मुझे तीसरी एबिलिटी मिल जाए और मेरा पता नहीं लाख कितना अच्छा भी है कि नहीं वैसे <laughs> अच्छा तो हो गई एंड yeah, या ये बहुत ही सही इक्विपमेंट है सो या यही था इस इक्विपमेंट में एंड या yeah, मुझे लगता है कि ये इक्विपमेंट गोजीटा को भाई सुपर पावरफुल बनाने वाला है क्योंकि भाई तुम लोग जानते हो गोजीटा कितना ज़्यादा पावरफुल और भाई कितने इक्वमेंट्स आ रहे हैं इन यूनिट्स के तो भाई मतलब गोजीटा के लिए भी आया था वो ट्रांसफॉर्मिंग सुपर सेंट गोजीटा के लिए भी एक इक्विपमेंट आया था सो या वो वाला भी काफ़ी अच्छा था लेकिन उतना बढ़िया नहीं था लेकिन ये उससे बहुत बढ़िया है मतलब कि सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है और मैंने अभी अभी वीडियो अपलोड करी थी अल्ट्रा के ऊपर जिसका उसने मैंने बताया था कि ये बेस्ट प्लान इक्विपमेंट है तो नहीं वो ब्लै अब तो वो बेस्ट नहीं रहा क्योंकि तो ये बेस्ट इक्विपमेंट आने वाला है तो सो या ओके सो या अब मैं अल्ट्रा मेगा क्या की उस न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ तो सो so, या yeah, मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं जल्दी से बढ़ता हूँ क्योंकि मैं थक बहुत थक चुका हूँ ठीक है तो चलिए उस न्यूज़ की तरफ बढ़ लेट्स गो और गाइस तो यहाँ पर यहाँ पर आ, मुझे ड्रैगन बॉल है के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में तो देखने को नहीं मिला कि आखिर अल्ट्रा ओमेगा शेंडॉन के आने में कुछ देखने को मिला नहीं तो यहाँ पर डी बी जूम भाई ने हमारे लिए ये देखो जी का ट्विटर है तो यहाँ पर उन्होंने हमें इमेज दिखाई है जिसमें कि अल्ट्रा ओमेगा शेनॉन का बारे में कुछ बताया गया है सो तो या देखते हैं एंड या ओमेगा शेड के बारे में बताया गया तो मैं सब पढ़ के आपको बताता हूँ उमेगा शर्न इज अ डिफेंस टाइप कैरेक्टर विद हाई डिफेंस हु कैन ग्रेजुअली रिस्टोर इट्स ओन हेल्थ वैन एंटरिंग द बैटल फील्ड ओके तो यहाँ पर लिखा है कि भाई ये बहुत एक डिफेंस टाइप यूनिट यूनिट होगा कैरेक्टर होगा ये तो हम सब जानते थे वीडियो ने स्टाफ में बता दिया था और इसके बाद बहुत ही हाई डिफेंस अरे हाई डिफेंसिस होंगे एंड या ये ग्रेजुअली अपनी हेल्थ uh, भी रिस्टोर कर लेगा जब ये बैटल फील्ड में एंटर एंटर होगा अब यहाँ ये यह नहीं बताया गया कि बार बार आ, बार बार एंटर होगा तो भाई हेल्थ है, रिस्टोर कितनी होगी और बार बार एंटर होगा तो भाई मतलब कि ये बार बार होगा या फिर एक बार होगा ये नहीं बताया गया है लेकिन ठीक है आ, ओके आगे बढ़ते हैं विद इट्स एबिलिटीज दैट ग्रेटली डिक्रीज डैमेज रिसीव्ड एंड बफ इट वेन एवर इट इज अटैक्ड इट कैन वर्क वेल एज शील्ड फॉर योर टीम ओके सो यहाँ पर लिखा है कि भाई विद इट्स एबिलिटीज़ वेन एवर इट इज़ अटैक ओके सुनो सुनो क्या है कि ये यहाँ पर लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ लिखा है कि इसकी इसकी एबिलिटीज़ के कारण ये बहुत ही ज़्यादा कम डैमेज रिसीव करेगा और बर्फ भी देगा जब भी इसके ऊपर अटैक हो यानी कि जब भी इसे स्ट्राइक या ब्लास्ट अटैक से मारा जाएगा सो so, या yeah. ये बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है एक तरह का शील्ड के लिए फॉर योर टीम इसे क्या हो रहा है बार बार हट रहा है ओके सो यार अरे सो यार एंड हाँ यहाँ लिखा है प्लस इफ इट्स इट्स हेल्थ फॉल्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर स्विंग एन अटैक इट कैन बफ एंड हील इट सेल्फ इवन मोर एंड अरे यार इसे क्या हो रहा है पता नहीं ओके सो यहाँ लिखा है कि भाई लिखा है कि प्लस अगर इसकी हेल्थ डाउन हो जाती है कुछ ज़्यादा ही तो फिर ये ये बफ देता है एलाइज़ को यहाँ नहीं लिखा गया कि एलाइज़ को कि नहीं यहाँ एलाइज़ का नहीं लिखा गया लेकिन बस बताया कि बफ देगा और हील करेगा खुद को ये बफ़ खुद को भी देगा और हील भी करेगा ओके और यहाँ लिखा है कि भाई ये स्ट्राइक बैक भी करेगा अलाउंग टू अलाइंग अलाउंग अलाउंग टू स्ट्राइक बैक ओके एंड इट्स अल्ट्रा एबिलिटी इज इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ एट्स काइंड ओके तो यहाँ पर लिखा है कि भाई जो uh, ultra ability जो इसकी होगी वो इसके मेंबर्स को यानी एलाइज को बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देगी तो उसका मतलब है कि भाई ये काफ़ी यूनिक एबिलिटी होने वाली है तो भाई कल आने वाला है ओमेगा शेंड्रॉन यहाँ लिखा है नीचे की यू विल यू बी एबल टू गेट अल्ट्रा उमेगा यहाँ पर लिखा है कि ये लोग ला रहे हैं उमेगा शेन रॉन्ड को वापस सो so, या yeah, मैं ये कहूँगा कि भाई तुम लोग इंतजार करो बस कल की बात रह गई है और मैं सुबह से अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को यहाँ फिर कल ठीक है एंड या मैं मैं होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करना चैनल पर ना लोगों सब्सक्राइब करना मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसी और ज़बरदस्त वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस सी यू लेटर बाय गाइस